दोस्तों देखिए, आज की ये पहली रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए है और इसका देखिए इंटरव्यू होगा 18 और 19 जुलाई को सीकर में, फिर उसके बाद 20 जुलाई को होगा झुंझुनू में, और सबसे आखिर 23 जुलाई को होगा मुंबई में। रिक्वायरमेंट है स्टोन इंस्टॉलर की, मार्बल मेसन, स्टोन फिक्सर हेल्पर और टाइल मेसन। इन सभी पोस्ट के लिए देखिए आपके पास कम से कम जो है 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। दोस्तों देखिए, रिक्वायरमेंट कतर के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसका इंटरव्यू होने वाला है 18 जुलाई को मुंबई में। ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट है और देखिए इन्हें जरूरत है मोबाइल क्रेन ऑपरेटर्स की। इसके अलावा पाइप और स्ट्रक्चर फिटर, वेल्डर्स, फोरमैन, लीडमैन, स्काफ होल्डिंग फोरमैन और इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स, रिजिंग, सेफ्टी, एचएससी ऑफिसर। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस, फिटर्स और इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है। देखिए इन सबके लिए आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑयल एंड गैस में। दोस्तों अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो कतर के लिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा, तो उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। दोस्तों देखिए, रिक्वायरमेंट यूएई के लिए है और इसका इंटरव्यू होने वाला है 19 जुलाई को मुंबई में, और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से: फिनिशिंग और फर्नीचर कारपेंटर्स, जिप्सम कारपेंटर, टाइल और प्लास्टर मेसन और मार्बल मेसन। इन सभी पोस्ट के लिए सैलरी आपको लगभग दी जाएगी जो है वो है 2100 दिरहम। सिविल फिक्सर, सिविल हेल्पर, इसके लिए सैलरी है 1500 दिरहम, और पेंटर के लिए और स्काफ होल्डर के लिए सैलरी है 2100 दिरहम। टेक्नीशियन एसी और इलेक्ट्रिकल के लिए सैलरी है 2700 दिरहम। जनरल फोरमैन के लिए देखिए सैलरी है 4950 दिरहम। स्टील फिक्सर फोरमैन और कारपेंट्री फोरमैन के लिए भी सैलरी है 4950 दिरहम। इसके अलावा प्लम्बिंग सुपरवाइजर के लिए सैलरी है 6750 दिरहम, और सीनियर ऑपरेटर इसके लिए सैलरी है 2700 दिरहम। इन सभी पोस्ट के लिए देखिए आपको इस गल्फ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और दोस्तों इसमें कंपनी आपको जो है रहना खाना ओवर टाइम का अलग से पे करेगी। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इन्हें सेंड कीजिएगा। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और दोस्तों देखिए, रिक्वायरमेंट जो है यूएई के लिए एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी का रिक्वायरमेंट है। इसका इंटरव्यू होने वाला है 18 जुलाई को मुंबई में, और दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है फायर अलार्म टेक्नीशियन की। इसके अलावा लो वोल्टेज टेक्नीशियन, ईएलवी टेक्नीशियन, पाइप फिटर और प्लम्बर। आजकल देखिए आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी भी एमईबी प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट देखिए सऊदी अरब के लिए है और इसका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 17 जुलाई यानी कि आज ही होगा जमशेदपुर में, और ये रिक्वायरमेंट है एडमिन की, इसमें 12 लोग की जरूरत है। अकाउंटेंट के लिए 20 लोग चाहिए, सपोर्ट सर्विस कोऑर्डिनेटर के लिए 25 लोग की जरूरत है, प्लम्बर के लिए 80 लोग की जरूरत है, मैकेनिकल जनरेटर के लिए 30 लोग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के लिए 50 लोग, इलेक्ट्रीशियन के लिए 100 लोग की जरूरत है, फिनिशिंग कारपेंटर के लिए 20 लोग चाहिए, एचवीएसी टेक्नीशियन और एसी टेक्नीशियन के लिए 100 लोगों की जरूरत है, एमईपी के लिए 15 लोग चाहिए, इसके अलावा फायर आर्म टेक्नीशियन के लिए 40 लोग की जरूरत है, पेंटर के लिए 50 लोग चाहिए, पंप मैकेनिक के लिए 30 लोग, वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन और जेरॉक्स मशीन टेक्नीशियन के लिए 50 50 लोग, और मेसन के लिए 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और देखिए इसमें आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें दोस्तों देखिए कंपनी आपको
खाने का अलाउंस देगी, 200 रियाल अलग से दिया जाएगा आपको, 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी और ओवर टाइम का भी अलग से पे करेगी, प्लस कंपनी आपको रहना और बाकी सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आप सबसे पहले इमिजिएटली इनके दिए गए नंबर पे आप इन्हें कॉल कीजिएगा, कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और दोस्तों देखिए ये रिक्वायरमेंट कतर के लिए है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का रिक्वायरमेंट है, इसका इंटरव्यू होने वाला है 18 जुलाई को एर्नाकुलम में। और दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है HVAC टेक्नीशियंस की, HVAC सुपरवाइजर्स, HVAC फोरमैन और चिलर टेक्नीशियन। इसके अलावा देख दोस्तों कुछ और रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए, जहाँ पे ना जरूरत है बूम ट्रक ड्राइवर्स की, इसके लिए आपका सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए, बस बॉडी रेंटर, टाइल मेसन, रोड और एस्पार्ट वर्क सुपरवाइजर, पंप टेक्नीशियन और जनरेटर टेक्नीशियन। तो दोस्तों ये थी रिक्वायरमेंट्स कतर और सऊदी अरब के लिए। अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस आपके पास और आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। दोस्तों देखिए रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए है, इसका इंटरव्यू होगा मुंबई में 18 जुलाई को दोस्तों, और उसके अलावा सूरत में होगा 19 जुलाई को और चेन्नई में होगा 21 जुलाई को। रिक्वायरमेंट है CNC ऑपरेटर, NDT इंस्पेक्टर्स, उसके अलावा QA/QC इंस्पेक्टर और कैलिब्रेशन टेक्नीशियन। इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा देखिए बहरीन के लिए TIG और ARC वेल्डर की भी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये थी रिक्वायरमेंट्स सऊदी और बहरीन के लिए। अगर इनमें से आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। दोस्तों देखिए रिक्वायरमेंट जो है कुवैत के लिए केटरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है, और इसका इंटरव्यू होगा 18 से लेकर 20 जुलाई तक के, और ये इंटरव्यू हो रहे हैं मुंबई में। और दोस्तों रिक्वायरमेंट है वेटरेस और वेटर्स की, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, साउथ इंडियन CDP और कॉमी टू, इसके अलावा बेकरी और पेस्ट्री मैन, डाइट शेफ, ड्राइवर, इसका कुवैत का लाइसेंस होना चाहिए, रिग बॉय, ठीक है। तो ये थी रिक्वायरमेंट दोस्तों कुवैत के लिए। इसके अलावा दुबई के लिए रिक्वायरमेंट एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, जहाँ पे इन्हें जरूरत है टीम मेंबर्स और वेटर्स की और क्रू सुपरवाइजर, इसके लिए फीमेल की जरूरत है। तो इनमें से अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है आप इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। दोस्तों देखिए ये रिक्वायरमेंट कतर के लिए है, और इसका इंटरव्यू देखिए आज ही होने वाला है 17 जुलाई को मुंबई में, और ये रिक्वायरमेंट है सिविल फोरमैन की, लीड मैन सिविल, उसके अलावा सिविल सुपरिटेंडेंट, सिविल सुपरवाइजर, प्लानिंग इंजीनियर, सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो ये थी रिक्वायरमेंट दोस्तों। इसके अलावा आपके 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑयल एंड गैस में या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी आपको रहना खाना और बाकी सारे बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये थी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए आप इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी ये डॉक्यूमेंट्स इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद आप इमीजिएटली इनके दिए गए नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे वो जॉब दुबई, सऊदी, कुवैत, माल्टा, यूरोप, अमेरिका, किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके का जॉब, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जो जॉब वैकेंसी आती है अब्रॉड की डेली हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।